नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की मौत, एसपी हड़ताल से छोटे व्यवसायी हलाकान, खाद्य तेलों के दाम में आई गिरावट। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। यवतमाल के आरनी रोड पर स्थित साई श्रद्धा अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही से एक मरीज की मौत होने का आरोप लगाकर मृतक के परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ औदुद्वारी पुलिस थाने में शिकायत की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिवनेरी सोसाइटी निवासी किशोर रामचंद्र मानिकपुरे की पत्नी इंदु किशोर मानिकपुरे को एसिडिटी होने की वजह से 15 दिसंबर की रात को आरनी रोड पर स्थित साई श्रद्धा अस्पताल में उपचार के लिए दाखिल किया गया। तब अस्पताल में कार्यरत कर्मचारी ने जांच कर एसिडिटी में थोड़ी समस्या है, तब मरीज को रात भर एडमिट करने की सलाह दी, साथ ही उच्च डॉक्टर की नसीहत से उपचार करने की बात कही। लेकिन अचानक गुरुवार 16 दिसंबर के तड़के मरीज इंदु की मौत होने की खबर अस्पताल प्रशासन की ओर से बताई गई है, जिस वजह से किशोर मानिकपुरे ने डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से इंदु की मौत होने का आरोप लगाते हुए औदुद्वारी पुलिस थाने में शिकायत की है, साथ ही संबंधित डॉक्टरों पर मामला दर्ज करने की मांग की है। अगली खबर, लगभग डेढ़ माह से चल रही बस कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बस स्थानक परिसर में अपना व्यवसाय कर उधर निर्वाह करने वाले छोटे व्यापारियों को आर्थिक संकट के साथ भूखमरी की नौबत आई है, जिस वजह से सरकार ने एसटी कर्मचारियों की मांग पूरी कर अनशन को खत्म करने की मांग छोटे व्यवसायियों की ओर से की जा रही है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वृद्ध वाक्य लेकर एसटी की यात्रा पिछले 5 दशक से शुरू है। सर्वसामान्य यात्री के लिए आज भी एसटी की यात्रा सुरक्षित व विश्वसनीय है। अनेक प्राकृतिक आपदा का संकट पार कर एसटी ने अपनी सेवा हमेशा यात्रियों की सेवा में दी है। अगली खबर, दीपावली पर्व के मौके पर विभिन्न तेल के दाम में भारी तेजी दर्ज की गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे तेल के प्रति किलो भाव में भी गिरावट देखी जा रही है। दीपावली में सोयाबीन तेल का भाव 160 रुपए प्रति किलो था, जो घटकर अब 130 रुपए प्रति किलो हो गया है। इस तरह दीपावली के मौके पर फल्ली का तेल 190 रुपए प्रति किलो था, जो अब 10 रुपए घटकर 180 रुपए प्रति किलो के भाव में बिक रहा है। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।